आप अच्छे से बैठ जाओ, पहले हम इनका फ्री कर दें। माइक लो। सीताराम, कहाँ से हो? नागपुर से। पहली बार आए हो? नहीं, पहले आया था, मिला हूँ पहले। हा? घर पे मिला था, मुरियानी के यहाँ घर पे। मुरियानी जी के यहाँ? हाँ जी, मैं भी। 19 में के अभी? नहीं, पहले वाले में। हा? पहले जब आए थे फर्स्ट टाइम 2019। हाँ जी, हाँ जी, 19 है ना मुरियानी जी। हाँ, मैं भी मुरियानी जी हूँ वैसे। हाँ, पूछो क्या बात है। मन शांत नहीं रहता है और वाइफ ठीक नहीं रहती है, कलेश थोड़ा सा रहता है और चुप बैठो सब। मम्मी की तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रहती है, मन उनका बहुत उदास रहता है। आप बहुत परेशान 2011 के पहले से हैं, पूरा परिवार में उपद्रव मचा है, आपका दिमागी समस्या, गलत अनेक विचार गलत आते हैं, बुद्धि विचित्र रहती, पेट की पीड़ा भी बनती ठीक है, और आपको अपच होती है, सोराइसिस नामक बीमारी भी बनी है, माँ भी अस्वस्थ रहती, पूरे परिवार में कलेश मचा हुआ है, माँ को भी आपके पैरों में पीड़ा बनी हुई है, हाँपी चलने लगती है, बीच बीच में पेट की दिक्कत उनको भी बनती है, हार्ट में दिक्कत वर्तमान में हो रही है, माँ स्वस्थ होगी, आपको आराम लगेगा, सोराइसिस ठीक होगी, आर्थिक तंगी रुकी, परिवार के व्यक्ति ने ही तंत्र करवाया, कटेगा आशीर्वाद। बस 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 बस, रोइए मत। और ये आपके पूरे घर में समस्या अभी की नहीं है, बहुत पुरानी हो गई। माइक अलग कर दें, प्यारे बेटा कर देना बंद। आशीर्वाद। ये 2019 से जुड़े हैं दरबार से, 2019 से। सबसे पहले नागपुर हमको ये जो बैठे ना मोरियानी जी, ये लेकर आए। एक बार आप सब यहाँ आ जाओ, आप सबको मिलो एक बार। ये वो महापुरुष हैं जो हमें बागेश्वर धाम, यहाँ आ जाओ एक मिनट के लिए ऊपर। ये वो महापुरुष हैं जो हमें बागेश्वर धाम गढ़ा से यहाँ नागपुर लेकर आए थे, बहुत अच्छे हैं। इन्होंने कथा भी करवाई, तब उतना लोग जानते नहीं थे, तब हम टीवी पे भी नहीं चलते थे जानबूझकर, क्योंकि यही लफड़ा होना था जो आज हो रहा है, ना सो पाते ना खा पाते बिराजो। तो ये मोरियानी जी वहाँ अड़ गए थे धाम पे दरबार में, महाराज जी आप हमारे यहाँ अर्जी बाद में लगाना, आप हमारे यहाँ कथा करो। कथा करने आए पूरा परिवार, अमीषा बहू, दीपू और बड़ा वाला बालक गोल्डन, क्या नाम है बड़े भाई का, हाँ सब बड़े प्यार से, और आपको आपके घर आ गया, मैं बड़ी प्रसन्नता। हमारी माताजी भी बड़ी भक्त हैं, आपका परिवार, आपकी पत्नी बड़ी भक्त हैं, गुरु कृपा, गुरु की बड़ी भक्त हैं, और हम उनको माँ कहते हैं, बड़ा भाव। वो हमारी बड़ी खबर लिए रहती, सोया करो समय पर, जब धाम जाएंगी तो इनके हाथों कुछ भेज देंगी, महाराज जी को ये खिला देना, आजकल आँखें अंदर हो गई हैं, पतले हो गए हैं, टेढ़ू हो गए हैं, ऐसे वो बड़ी बड़ा भाव। लेकिन हम चाहते हैं कि ईश्वर ने आपसे 2019 में मिलवाया था, और हमारे मन में ये प्रण है, और इनके मन में ये प्रण है, कभी भी बागेश्वर धाम से दूर ना हो। वहीं फिर सब मिले थे, अंगद ये सब पुराने लोग हैं, ये अंगद जी बिराजो, अंगद जी ये सब पुराने लोग हैं, सब वहीं से फिर शुरू हुई यात्रा। सोपती जी, बिट्टू भैया, हाँ बिट्टू, और वो सुंदर डांस करते थे जो शादियों में, हाँ हमेशा। एक और हमारा पगला चेला नागपुर का, किसी की भी शादी का डीजे जा रहा हो, किसी की कोई लेना देना नहीं, दूल्हा कौन है, डीजे हो भरोसे पता, गाड़ी साइड में लगाएगा और छह ठुमका, और यूं पसीना आया उसने पहुंचा गाड़ी में, सेल्फ लगाया। दूल्हा कई बार देखता रहता है कि ये कौन सा रिश्तेदार है,
और सुंदर को बड़ा नाचने का शौक। तो ये सब हमारा परिवार, भगवान इतने अच्छे से जुड़े हैं जब से कि हम बहुत कम समय दे पाते, बहुत कम मिल पाते, धाम पे भी ये लोग जाते इंतज़ार करते मिल नहीं पाते। लेकिन एक तो है, नए लोगों को सीख लेनी पड़ेगी इस बात की, लेकिन कभी दिल से दूर नहीं हुए। हृदय से ये लोग दूर नहीं हुए, देखते रहे प्रत्येक गतिविधि। अब गुरुजी क्या कर रहे हैं, अब गुरुजी क्या कह रहे हैं, अब आपको बता ही रहे हैं तो बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं। बागेश्वर धाम पर जो बड़ा वाला हॉल वर्तमान में हॉल बना है बाहर का, उसके लिए 2019 में 3 लाख रुपए की व्यवस्था नागपुर मंडल ने की थी। पहली बार। अब बड़ा वाला हॉल और बन रहा है तो उसके लिए हम लेने आए हैं। ये तो हम विनोद कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन उसमें सहयोग नागपुर मंडल का लगा है। और हम कई बार वहाँ मंच से बोलते भी हैं धाम पर कि जिस हॉल में बैठे हैं तो 3 मंडलों का वहाँ सहयोग है, उसमें 1 मंडल का नाम था नागपुर मंडल। जो होता हम मुंह पे माइक पे बता देते हैं,